TWS का ज़माना है और अपने चैनल में TWS ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपके लिए लेके आया हूँ मैं पोटोनिक्स का हार्मोनिक्स ट्विन्स मिनी। ये एक TWS मानिए ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स है। इसमें आप देख सकते हो चार्जिंग केस है एंड ईयरबड्स है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं और आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आ गए हम लोग अपने अनबॉक्सिंग टेबल पे और जैसे आप देख सकते हो पोटोनिक्स का हार्मोनिक्स ट्विन्स मिनी ब्लूटूथ बीटी मतलब ब्लूटूथ ईयरबड्स है। और ये आपका है बॉक्स पैकेजिंग और इस साइड में लिखा है ट्रू वायरलेस फ्रीडम और इस साइड में तो हुक है, इस साइड में भी सेम है। और नीचे कुछ ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड कुछ सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। बैक साइड में देखेंगे पोटोनिक्स का लोगो, ब्रांडिंग एंड आपका नाम है हार्मोनिक्स ट्विन्स मिनी TWS BT ईयरबड्स है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी है, TWS कनेक्टिविटी है, स्मार्ट चार्जिंग केस भी दिया हुआ है और सबसे खास बात यह है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, क्योंकि आज के डेट में सारे लोग टाइप सी पे स्विच हो रहे हैं तो टाइप सी केबल भी होना बहुत ज़रूरी है और ये टाइप सी पोर्ट इसी का बहुत अच्छा फीचर है। और बाकी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर डिटेल्स सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 1 ईयर वारंटी भी दिया हुआ है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ऐसे ही मैं ओपन करता हूँ इसको, एम्प्टी केस है और कुछ नहीं है, प्लास्टिक का एक होल्डर है। इसमें आप देख सकते हो ये आपका चार्जिंग केस है, बहुत ही छोटा सा है, मतलब मुट्ठी में आप छुपा भी सकते हो इसको, इतना छोटा है। और इस साइड में आप देख सकते हो आपका USB A2 Type-C केबल है, छोटा सा केबल है। डेफिनेटली आपके पास तो टाइप सी वाले फ़ोन्स होंगे या केबल्स होगा तो उसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये पॉलीथीन में आपके बाकी जो ईयर कप्स है आपका ईयर कैनल का साइज़ के हिसाब से और आपका यूज़र मैनुअल दिया हुआ है कैसे यूज़ करना है। तो इसको सब रखते हैं साइड में। इसमें यहाँ पे कुछ स्टिकर मिला है, वारंटी स्टिकर, इसको स्कैन करके आप वारंटी भी क्लेम कर सकते हो साइट में जाके। और ये एक वायर है इसको बांधने वाला और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे ईयरबड्स हैं, काफ़ी छोटे हैं बट सॉफ्ट हैं, लाइट वेट है। और इसमें स्मॉल साइज़ का जो ईयर टिप है ये ऐड करके दिया हुआ है, बाकी साइजेस भी अंदर में इंक्लूड है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पिंस दिया हुआ है और यहाँ पे R&L का मार्किंग भी दिया हुआ है। और इस साइड में देखेंगे यहाँ पोटोनिक्स का ब्रांड है और ये दोनों बटन्स ही है, सॉफ्ट सेंसिटिव बटन्स हैं। तो अभी तो ये पावर ऑफ हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे ही आप ये जो चार्जिंग केस है आप ओपन करोगे ये लाइट अप हो जाता है, जो इसका बैटरी परसेंटेज दिखा देता है। और इसमें जो अपना बैटरी है चार्जिंग केस में ये है अराउंड 320 mAh बैटरी और जो ईच ईयरबड्स है इसमें अराउंड 40 ईयरबड्स का बैटरी है और ये करीब 3 आवर्स का प्लेबैक दे सकता है 40 mAh चार्ज में कंटिन्यूस। और ये आपका जो चार्जिंग केस है ये 3 टाइम्स के अराउंड आपको इसको रिफिल कर सकता है। तो चलिए इसको वापस डाल देते हैं अपने अपने जगह पे। तो जैसे ही मैं इसको डाल देता हूँ आप देख सकते हो हल्का सा लाइटिंग आ गया है इधर, क्योंकि ये चार्जिंग हो रहा है तो ऐसे ही बंद होता है। बहुत ही स्मॉल सा केस है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ एक छोटा सा टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए। और ये जो केस है आपका ये रबराइज्ड फील और टेक्सचर में है और यहाँ पे पोटोनिक्स का ब्रांडिंग भी है। काफ़ी स्मॉल है, छोटा सा है, आपका मुट्ठी में आप छुपा सकते हो, जीन्स में कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ऑन करते हैं आप देख सकते हो दोनों चार्जिंग में है। और जैसे ही मैं इनको निकाल देता हूँ देखिए दोनों पेयरिंग बोर्ड में जा रहे हैं। तो मैं इसको अपने मोबाइल से पेयर करके लगाता हूँ और देखता हूँ कैसा साउंड क्वालिटी है और फिर आपको बोलता हूँ। दोस्तों जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपना फ़ोन का इंटरफेस है और ये आपके ईयरबड्स हैं, पेयरिंग मोड में हैं। तो इसको मैं टैप करता हूँ, ये बोल रहा है पेयर विथ हार्मोनिक्स ट्विन्स मिनी, तो मैं पेयर कर देता हूँ
और ये आपका कनेक्ट हो गया है और आप देख सकते हो 100% बैटरी भी इसमें लोडेड है। तो दोस्तों इसमें मैं गाना सुन लिया हूँ और काफ़ी अच्छा साउंड है इसका, बेस क्वालिटी भी सही है और ये एक अच्छा सा ऑप्शन हो सकता है। आप देख सकते हो काफ़ी क्यूट फॉर्म फैक्टर में है, छोटा सा है, आप आराम से इजीली कैरी कर सकते हो। तो वीडियो को देखिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट। दोस्तों ये रहा एक क्विक लुक आपका पोटोनिस का TWS ईयरफोन का। तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा प्रोडक्ट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।